मुझे पता है तू किस वक्त से गुजर रहा है। तेरे मन में प्रश्नों को महासागर खोल रहा है। भगवान बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। जिससे प्रेम किया, अपेक्षा की, वो व्यक्ति मेरी अपेक्षा पूरी नहीं कर पा रहा है। मन बिल्कुल शांत नहीं है। पढ़ाई करता हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। कितना भी कोशिश कर लूं सबको खुश रखने का, कोई संतुष्ट ही नहीं हो पा रहा। घर पर हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, हर बात पर रो देती हूं। बहुत ही तनावपूर्ण जिंदगी जी रहा हूं भगवान। ऐसी शिकायत तो बहुत लोग मुझसे करते हैं, लेकिन इन सब लोगों को पता है कि इन सब प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता में, और आज भी वापस उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं इस वीडियो के रूप में। अगर सच में जिंदगी में खुशी, शांति, सफलता चाहिए हो तो वीडियो को पूरा देखो। और एक बात याद रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा और तुमने जितना चाहा था उसे कहीं गुना में तुम्हें दूंगा। बोलो राधे राधे। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक न बनाएं, न ही असफलता को एकमात्र शिक्षक। दोनों से सीखें, क्योंकि वे विकास के पथ पर मील के पत्थर हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। जीवन का अर्थ यह नहीं है कि हम आसानी से हासिल किए गए मुकामों पर पहुंचे, बल्कि संघर्ष करके अपनी सीमाओं को पार करें। आत्मा में अपने को पहचानो, अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए अपने कर्मों को समर्पित करो। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों का संबंध सही भावना के साथ रखो। सच्ची सफलता आत्मा को जानने और स्वयं को पहचानने में है। अपने कर्मों में नीति और उद्दीपन ढूंढो। अगर तुम अपने कर्मों में भगवान की भावना रखोगे तो सफलता तुम्हारे पास होगी। जीवन का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि हम जीवन में कुछ करें, बल्कि उस कार्य को पूरा करके अपनी आत्मा को परिपूर्णता की ओर ले जाएं। अपने मन को शांत रखो और कर्म में विश्वास रखो, फिर तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। संघर्ष और समर्पण से ही सच्ची प्राप्ति होती है, इसलिए जीवन के हर मोड़ पर आत्मनिर्भर रहो। अपने कर्मों में ईमानदारी से जुटा रहो और जीवन की यात्रा में सीखते रहो। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढ कर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना, दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है कि गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुःख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता,
हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। स्वार्थ सेहत के लिए अच्छा नहीं, स्वार्थियों की वैसे भी दुनिया में कमी नहीं। तुम कुछ अलग करो तो नाम होगा, दूसरों की मदद करके देखो सुख होगा और नाम भी। भगवद गीता कहती है कि मेरा फायदा, मेरा पैसा, मेरे अपने, यही सोचकर सब परेशान हुए जा रहे हैं। क्या तुम सांस भी सोचकर लेते हो? अगर आत्मा स्वार्थी हो जाए तो वो तुम्हारा शरीर छोड़कर किसी दूसरे और अच्छे शरीर में समा जाएगी। इसलिए स्वार्थ छोड़ो और मन को बड़ा करके देखो, दूसरों की मदद करके देखो, तुम्हारी आत्मा सुखी होगी, और सुखी आत्मा से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। तुम आज किसी की मदद करके भूल सकते हो, लेकिन तुम्हारी मदद पाने वाला तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। वो हमेशा तुम्हारे लिए आड़नी रहेगा। यही तो संसार का नियम है। दोस्ती के नाम पर अच्छे काम करो। जरूरतमंदों की मदद करने के बाद एक अजीब सा सुख महसूस तो किया होगा तुमने। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहां प्रभु जाए वहां मन जाए, और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहें। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं।
अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले तो युद्ध करे। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। कोई सराहना करे या निंदा लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। गीता के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, वैसे उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने अपना ज्यादातर समय उन लोगों को देकर व्यर्थ किया जिनका उसके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार
शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। जो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है, वह मनुष्य अपने लिए दुख का बीज बोता है। युद्ध से पहले तुम डर जाओगे तो तुम मरने से पहले ही मर जाओगे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जिंदगी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत होती है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल मौसम आने पर ही लगेंगे। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कृष्ण का प्रेम उपासना है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। अपने कार्य करते रहो, जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। जो मनुष्य जीव पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुहक भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुहक देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो। आवेश नहीं मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हर मर्ज का इलाज नहीं, दवाखाने में कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना, और देर तक सुलगने से अच्छा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है।
कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, नेह इसे जलाया जा सकता है ना ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान लाभ हानि खुश होना दुखी होना सब मन की शरारत है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है? सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो मेरा आखिरी जन्म है और तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्म फल में दखल देता हूं। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, भगवद गीता के अनुसार युवाओं को पूरी जिंदगी जीना चाहिए। यदि आप जीवन को पूर्णता से जीना चाहते हैं तो अपने अंदर और बाहर दोनों का अन्वेषण करें। विचार करें कि क्या आप कुछ समय के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एक खुशहाल जीवन जीने का मतलब है जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करना और उसके साथ चलना। जीवन को अपना सबसे प्राचीन अनुशासित संस्करण दें। आपको अंततः बदले में कुछ बहुत ही शानदार चीज प्राप्त होगी। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता, अच्छी और बुरी दोनों स्थितियों में अपना संयम और आशावाद बनाए रखना और तनाव का प्रबंधन करना, ये सभी शांत दिमाग के लाभ हैं। इसके अतिरिक्त यह हमें स्पष्ट रूप से सोचने, हमारे विकल्पों पर विचार करने और हमारी ऊर्जा को उत्पादक गतिविधियों पर केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। अपना संयम बनाए रखने की हमारी क्षमता को इस एहसास से काफी सहायता मिलती है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। यदि आप अमीर होने की अनुभूति चाहते हैं तो उन वस्तुओं पर विचार करें जो जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। जीवन में बुरी आदत पर विजय प्राप्त करने की तुलना में कोई इससे बड़ा आनंद नहीं हो सकता है। धमनियों की कठोरता की तुलना में दिलों की कठोरता से लोग जल्दी बूढ़े होते हैं। यदि आप मानसिक शांति के बदले में साम्राज्य भी प्राप्त करते हैं तो भी आप पराजित ही हैं। रुकावटें वे भयावह वस्तुएं हैं जो आप उस समय देखते हैं जब आप अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लेते हैं। आपकी प्रतिभा भगवान का आपको दिया हुआ उपहार है। आप जो कुछ इसके साथ करते हैं वह आप भगवान को उपहार स्वरूप लौट आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।